Welcome to my channel CA Joyam. We shall discuss new ITR 1 and 4 with one update on MSME which has been relaunched for this quarter. Good morning. 1st January, Monday, first day of the year. अब न्यू ईयर ही मंडे को पड़ रहा है, ठीक है, पर उम्मीद रखिए साल भर अच्छा रहेगा. हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी. एंड टू न्यू अपडेट्स. एक तो पुराना वाला है जो आज से वापस अप्लाई कर सकते हैं एमएसएमई का, मैं पहले भी बोला था. सबसे पहला अपडेट इनकम टैक्स से ये है कि टीडीएस मिसमैच अगर है, इट विल बी सब्जेक्ट टू कंपल्सरी स्क्रूटनी. रैंडम नहीं, कंपल्सरी. जैसे एचआर क्लेम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई डेटाबेस नहीं मिल रहा है, कोई अटैच डॉक्यूमेंट्स है, आपने जो अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेयर किया है उसके अलावा आप कुछ क्लेम कर रहे हो और वो ऑनलाइन नहीं दिख रहा है, ऐसे इनकम टैक्स रिटर्न्स विल बी सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी. सो टेक केयर वेल फाइलिंग योर ITRs फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24. आज से CBDT ने फाइनेंशियल ईयर 22-23 मतलब असेसमेंट ईयर 23-24 का अपडेटेड ITR एप्लीकेबल कर दिया. इट इज नाउ अवेलेबल. 25% एक्स्ट्रा टैक्स के साथ आप अपडेटेड ITR फाइल कर सकते हैं इफ यू हैव मिस्ड फाइलिंग द ITR बाई 31st December 2023 मतलब एस्टरडे. तीसरा CBDT का अपडेट ये है कि ITR 1 एंड 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 इज अवेलेबल ऑन द पोर्टल. यू कैन गो थ्रू इट एंड इमीडिएटली स्टार्ट फाइलिंग फ्रॉम अप्रैल. इसमें कुछ चेंजेस किए, एप्लीकेबिलिटी सेम है. ITR 1 फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज हैविंग फैमिली पेंशन, वो भी ITR 1 भर सकते हैं. नॉर्मल सैलरीड वाले तो भरते ही हैं. प्लस आपको एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम या लॉस है तो ITR 1. ITR 4 भी अपडेट किया गया है, इट इज अवेलेबल. अगर आपका मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, कैपिटल गेन से, डिविडेंड है और सैलरीड है तो आप ITR 4 यूज कर सकते हैं. अगर पार्टनरशिप फर्म से इनकम है या बिजनेस इनकम है तो 3 और 4 कोई भी आप यूज कर सकते हैं. फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ITR 1 एंड 4 लॉन्च कर दिया गया है, राइट. अब इसमें सबसे पहले जो चेंज आया हुआ है वो है एप्लीकेबिलिटी, तो मैंने आपको बता दिया. 80CCH एक नया डिडक्शन है. डोनेशन मेड टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, जो अग्निवीर वाला स्कीम इंडियन डिफेंस के लिए लाया हुआ है, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ऑफ 4 years, उसका एक कॉर्पस बनाया गवर्नमेंट ने. अगर इंडिविजुअल या गवर्नमेंट ने इसमें डोनेट किया तो 100% डिडक्शन मिलेगा अंडर 80CCH. ये अलग डिडक्शन है तो वो फॉर्म में उसके डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे. दूसरा है रिसीट्स. अभी आपको बैंक रिसीट का डिटेल डालना पड़ेगा और कैश रिसीट का डिटेल भी अलग से डालना पड़ेगा. ये दो रिटर्न में, मतलब क्रिप्टो करेंसी से कोई इनकम है, डिविडेंड कुछ कैश में मिल रहा है, बिजनेस इनकम कुछ कैश में अकाउंट में जमा हुआ है, इसका डिटेल अलग से देना पड़ेगा. गो थ्रू दिस ITR फॉर्म. दिस इज अ वेरी स्ट्रिंजेंट न्यू एडिशन मेड. तीसरा है आपको सारे बैंक अकाउंट डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें ट्रांजैक्शंस है जो बंद हो गए ड्यूरिंग द करंट ईयर, वो भी एक्सक्लूडिंग एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट. जिसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है वो अकाउंट एलिजिबल ही नहीं है एक्टिवेशन के लिए, या ऐसे अकाउंट को छोड़ के बाकी सारे अकाउंट का डिस्क्लोजर आपको ये ITR 1 एंड 4 फॉर्म्स में करना पड़ेगा. दीज आर द टू फॉर्म्स विच आर अवेलेबल. गो थ्रू द ITR फॉर्म्स नाउ. अभी पहले क्यों लॉन्च कर दिया, क्योंकि अभी वो टाइम है जो सैलरीड एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन फाइल करता है फॉर मेकिंग करेक्ट डिडक्शन ऑफ TDS. तो TDS मिसमैच स्क्रूटिनी में है तो ध्यान से डिक्लेयर करिए, ITR फॉर्म्स देख लीजिए ऑनलाइन जाके कि इसमें क्या क्या आपको डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को देना है. तो ये कुछ चेंजेस ITR 1 एंड 4 फॉर्म्स में आज से लागू किया गया. अब जस्ट टू रिफ्रेश, पिछले साल बजट में विवाद से विश्वास स्कीम 1 लॉन्च किया गया था, राइट, फॉर सेटलमेंट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स ड्यू स्टक अप विद द गवर्नमेंट और NHAI और एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट रिलेटेड. अब इफ द एग्जीक्यूशन पीरियड वॉज बिटवीन 19th February 2020 टिल 31st March 2022, ये पीरियड के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट स्टक अप है ड्यू टू कोविड 19 पैंडेमिक, उसका
सेटलमेंट का पीरियड खत्म हो गया, पर बहुत लोगों को पता नहीं था ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो आप, दीज कॉन्ट्रैक्टर्स कैन नाउ ऑप्ट फॉर दिस विवाद से विश्वास स्कीम 1 फ्रॉम 1st जनवरी 2024, दैट इज टूडे, टिल 31st मार्च 2024। इसमें उनको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो फोरफिट हो गया था नॉन परफॉर्मेंस के लिए, उसका 95% रिफंड मिलेगा, बिड सिक्योरिटी का 95% रिफंड मिलेगा, लिक्विडेटेड डैमेजेस का 95% वापस मिलेगा, रिस्क परचेज अमाउंट का 95% वापस मिलेगा, और अगर ये फॉर्म को डिबार किया गया है फॉर नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड ऑफ 19 फरवरी 2020 टिल 31st मार्च 2022, तो रिवोक करके उसको वापस एलिजिबल बना सकते हैं। इसका पीरियड खत्म हो गया, पर अभी आज से 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक ये वापस लाया गया विवाद से विश्वास 1। So all the contractors can apply and take back 95% of the amount blocked with various government agencies or the central or state government for non-execution of project during the COVID-19 pandemic. पर आप ये facility avail कर सकते हैं if you are registered as a MSME up to 31st March 2022. अगर आप MSME घर के registered नहीं और contract ऐसी अटका पड़ा है तो आप ये benefit का facility नहीं ले सकते. So this was the first update of the new year. I will be back with more such update videos and thank you for liking and subscribing to the channel. And I'm enjoying replying to all your queries on amnesty and other topics on my mail. Please do mail for any queries whatsoever and have a wonderful new year 2024. Thank you.